हेलो एवरीवन, जल्दी के इस लाइव सेशन बी फ्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा। तो जिस तरह से हमने इस बी फ्री सीरीज की शुरुआत की है और शुरुआत से ही हमारा मकसद यही रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सके और उनकी जो प्रेगनेंसी में जटिलताएं आती हैं, आज के अगर दौर की बात करें तो लाइफस्टाइल के कारण या किसी और भी कारण को अगर देखें, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, तो उसके कारण कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। और इसीलिए हम उन तमाम पहलुओं को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी को पूरी तरह से सफल बनाने में सहायक नहीं हो पा रही है। और इन्हीं चीजों को हम लगातार देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में किस तरह से पीसीओडी की समस्या आज बहुत बढ़ती जा रही है। तो हमने पीसीओडी पर बातचीत की और आज का जो हमारा विषय है थायराइड एंड नेचुरल प्रेगनेंसी। क्योंकि थायराइड की अगर हम बात करें तो अगर हम अपने देश भारत की बात करेंगे तो हर 5 में से 3 महिला थायराइड से ग्रसित हैं और लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं नेचुरल कंसेप्शन, नेचुरल प्रेगनेंसी की राह में जो है वो अड़ंगे पैदा कर रही है। और इसीलिए हम आज जानेंगे, डॉक्टर मलिका सोलंकी हमारे साथ आज जुड़ेंगी एज एन एक्सपर्ट, जो एक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट है और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है। तो उनसे आज हम बातचीत करेंगे कि थायराइड किस तरह से नेचुरल प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती है और वो कौन से कारण हैं जिस वजह से थायराइड की समस्या इतनी ज्यादा हमारे देश में बढ़ती जा रही है। और माना यह जाता है कि अगर पुरुषों की तुलना में अगर हम बात करें तो हमारे देश में महिलाओं की संख्या अधिक है जो थायराइड से पीड़ित है। तो आखिर ये वजह क्यों है कि पुरुषों की अपेक्षा में महिलाएं थायराइड से ज्यादा ग्रसित होती जा रही है, और अगर थायराइड की समस्या हो रही है तो बावजूद उसके नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर मलिका सोलंकी को मैं यहां कनेक्ट करूंगी और इसके पहले मैं अपने तमाम जो फॉलोअर्स है जल्दी के उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तमाम फॉलोअर्स, तमाम दर्शकों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो आज का हमारा विषय है उस विषय से संबंधित आप लोग सवाल पूछे थायराइड और नेचुरल प्रेगनेंसी को लेकर, ताकि जो हमारी एक्सपर्ट है आज जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं उस विषय पर सवालों के वो जवाब दे सके। डॉक्टर मलिका सोलंकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। हेलो, हाय। तो डॉक्टर, आज जो कैसे हमारा विषय, हम बात करने वाले थायराइड और नेचुरल प्रेगनेंसी पर, किस तरह से थायराइड है वो नेचुरल प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती है और क्या विषयों पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। हमारे फॉलोअर से वो भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले थायराइड होता है? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट थायराइड। अब बहुत लोगों ने आपने सुना होगा कि कहते हैं कि हमें थायराइड का प्रॉब्लम है, कि थायराइड का इशू है, थायराइड बढ़ गया है, कम हो गया। सो बेसिकली थायराइड एक ग्लैंड है, ओके, इट इज अ ग्लैंड, एक छोटा बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो आपके ट्रेकिया, आपका जो विंड पाइप है उसके आगे यहाँ प्रेजेंट होता है, जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन। और ये जो हॉर्मोन्स है लिटरली बॉडी के सब सिस्टम्स पे अफेक्ट करते हैं। सो इट लिटरली गोज टू एवरी सिस्टम, लाइक हार्ट हो, बोन हो, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, सब जगह ट्रेवल करता है हॉर्मोन एंड इट अफेक्ट्स ऑल, सारा जो फंक्शन होता है, आप सुबह जगते हो उससे लेके आपकी जो एक्टिविटीज होती है सब पे उसका असर आता है। सो थायराइड ग्लैंड होती है, इट प्रोड्यूसेस थायराइड हॉर्मोन, ओके। बट क्या होता है कभी कभी कि ये थायराइड जब ऊपर हो जाता है, मतलब थायराइड हॉर्मोन ज्यादा बढ़ जाता है, तो जिसे हम कहते हैं ओवर एक्टिव थायराइड, मतलब हाइपर थायराइड। और अगर थायराइड हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं उसे हम कहते हैं हाइपोथायराइड, मतलब अंडर एक्टिव। सो एक थायराइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन होता है TSH जिसे हम कहते हैं, वो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस नहीं होता है, वो ब्रेन से प्रोड्यूस होता है। एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वहां से, ब्रेन के सेंटर से TSH जो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन होता है वो सिग्नल करता है थायराइड ग्लैंड को कि तुम्हें थायराइड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं। सो उस हिसाब से कभी कभी जब भी ये डिसफंक्शन होता है, तो अगर सपोज आपके जो थायराइड हॉर्मोन्स बहुत बढ़ जाते हैं, हाइपर थायराइड होता है,
तो तब ये जो TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो कम हो जाता है. वेरेज अगर आपका जो थायराइड लेवल है, जो थायराइड हार्मोन्स के लेवल है, वो कम हो जाते हैं बहुत, तो ये TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो सिग्नल देता है कि अब आपको हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं. सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ थायराइड, कैसे बढ़ता है और कम होता है. और अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो थायराइड के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? देर आर डिफरेंट सिम्टम्स. लाइक पहली तो चीज है कि ये जो थायराइड होता है, थायराइड का इश्यू होता है, ऑलमोस्ट इट इज वेरी कॉमन, लाइक मोर देन ऑलमोस्ट 1 in 8 वेमेन को होता है. एंड आउट ऑफ दैट ऑलमोस्ट जो 60% फीमेल्स होती है, उन्हें पता भी नहीं होता है कि उन्हें ये इश्यू है. ओके, इट इज नॉट लाइक मेल्स में नहीं होता, मेल्स में भी होता है, बट इट इज 5 to 8 times मोर कॉमन इन विमेन. ओके, सो हाइपर थायरॉयड और हाइपोथायरॉयड का मैं आपको अलग अलग सिम्टम्स बताती हूँ, बट हाइपोथायरॉयड इज मच मोर कॉमन इन विमेन देन हाइपर थायरॉयड. सो अगर आपको हाइपर थायरॉयड है, मतलब आपकी जो थायरॉयड ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा थायरॉयड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ सिम्टम्स होंगे, जैसे कि इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल, एज आई सेड, सारे सिस्टम्स पे अफेक्ट करता है, ठीक है. तो आपको हार्ट पे इफेक्ट करेगा, आपको योर हार्ट विल बी रेसिंग, आपको बहुत एंजी होगी, फिर देन इट माइट अफेक्ट योर आईज, लाइक यू विल हैव बल्जिंग आईज, ऐसे बोन पे इफेक्ट करेगा, हर एक सिस्टम पे इफेक्ट करेगा, आपके ओव्यूलेशन पे इफेक्ट करेगा. ऐसा नहीं है कि आपके एग्स जो है वो खत्म हो गए, लेकिन जो ओव्यूलेशन का सिस्टम है उसको एकदम शट डाउन कर देगा, जिसकी वजह से शायद आपको पीरियड्स बहुत बहुत टाइम बाद आए, जैसे 2 2 3 3 महीने बाद आए, या फिर एकदम खत्म ही हो जाए पीरियड्स. सो उसमें क्या होता है कि ये उस सिस्टम को उसको शट डाउन करता है. ऐसा नहीं है कि एग्स खत्म हो गए हैं. सो ये सब प्रॉब्लम्स विद हाइपरथायरॉयडिज्म आपको आते हैं. नाउ वेयर अगर आपको हाइपोथायरॉयड है, मतलब हॉर्मोन, जो थायरॉयड हॉर्मोन बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फिर अगेन इट विल अफेक्ट योर, इट विल ऑल्सो अफेक्ट ऑल द सिस्टम्स, बट इसमें क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा और आप वेट गेन करने लगोगे बहुत ज्यादा. वेयर इज हाइपरथायरॉयड में मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा, तो आपका सडन वेट लॉस होगा. सो हाइपोथायरॉयड मतलब थायराइड हॉर्मोन्स बहुत कम, उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और देन यू स्टार्ट गेनिंग वेट, देन आपको एकदम एकदम फटीग आएगा, एकदम टायर्ड रहोगे, आपको स्टेयर्स चढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी, आपको या तो कभी बहुत ज्यादा ठंड लगेगी या बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, वेरेज उसी समय बाकी जो लोग हैं उनको ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही होगी. और अबाउट टॉकिंग अबाउट ओव्यूलेशन, सो ओव्यूलेशन में इसमें क्या करेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, जो एग है वो रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग होगी, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, बहुत ज्यादा फ्लो आना पीरियड्स का, एक्सेसिव ब्लीडिंग, वो इज अ कॉमन प्रॉब्लम व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयड. इनफर्टिलिटी इज कॉमन व्हेन यू आर हैविंग दैट. सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स जो आपको हो सकते हैं अगर आपको थायरॉयड का इश्यू है तो. और अगर हम कंपेयर करें तो हमारे देश में भी हम देख रहे हैं कि पुरुषों की अपेक्षा में कंपैरिजन में महिलाओं में ये समस्या ज्यादा हो रही है, थायराइड की जो प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके पीछे क्या कोई विशेष कारण है ऐसा? बिकॉज फीमेल्स एज यू नो दे गो थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, ओके, एंड डिफरेंट हॉर्मोन्स फ्लक्चुएशन होते हैं. सो इट इज नॉट जस्ट कि थायरॉयड हॉर्मोन जो होता है वो सारी चीज सिस्टम पे इफेक्ट करता है. जो फीमेल के बॉडी में जो हॉर्मोन्स दे आर रेगुलेटिंग, जो जो सिम्टम्स होते हैं, जो स्ट्रेस होता है, लाइक ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो अफेक्ट योर थायरॉयड ग्लैंड. सो इट कम्स टूगेदर, सो दैट इज द रीजन. ऐसा नहीं है मेल्स में भी होता है, कम देखते हैं, बट And that which also affects fertility in both of them. But females may, because they go through many hormonal changes in life, so it is more common in women. And plus other reasons are also there, autoimmune reasons are also there, thyroid होने के. और इसके अगर उपचार की बात की जाए, थायराइड कैसे, क्या है और इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है? सो थायराइड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं, थायरोक्सिन जो होता है, वो हमारे थायराइड ग्लैंड से बनता है, ठीक है, बट इसका सिग्नल आता है ब्रेन से. सो विच इज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन, वो थायराइड स्टिम्युलेट करता है, मतलब सिग्नल देता है थायराइड पे और वो हॉर्मोन प्रोड्यूस करता है. ओके, सो अगर हमें डायग्नोसिस करना हो, जब आप पेशेंट मेरे पास आता है, तो सबसे पहले हम उसका
TSH कराते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ना कि T4 T3 जो थायराइड हार्मोन होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अगर TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है अगर वो बहुत कम है, ओके, नॉर्मल लेवल जो होना चाहिए 1 to 4.5 मिली यूनिट्स पर लीटर, उससे अगर कम है तो उसका मतलब कि थायराइड हार्मोन्स की जो मात्रा है वो ज्यादा है. अगर TSH बहुत हाई है उसका मतलब है कि जो थायराइड हार्मोन्स है वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं. देन आगे अगर आप प्री एग्जिस्टिंग आपको कोई थायराइड नोन केस हो तो हम करवाते हैं थायराइड T4 T3, फिर हम फ्री T4 T3 करवाते हैं, जिससे हमें और ज्यादा डिटेल में पता चलता है. कभी कभी एंटीबॉडीज कराते हैं, TPO एंटीबॉडीज भी हम कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए करवाते हैं अगर हो तो. सो दैट इज हाउ यू डायग्नोज थायराइड है कि नहीं. फिर क्या होता है कि हमें और भी, इट इज जस्ट नॉट कि हमें पता चल गया कि आपको थायराइड है क्या है. देयर टू डिफरेंट थिंग्स. अभी जो नॉर्मल रेंज है थायराइड की वो होनी चाहिए बिटवीन से नॉर्मल लोगों के लिए, हु आर नॉर्मल वुमेन हु आर नॉट ट्राइंग टू कंसीव नॉर्मल लाइफ डेली, जो फॉर देम इट शुड बी बिटवीन 1 to 4.5. बट अगर आप प्रेग्नेंट होने की ट्राई कर रहे हैं, आप कंसीव होने की ट्राई कर रहे हैं, तो आई वुड प्रिफर कि उनका जो थायराइड लेवल है वो 2.5 से नीचे हो, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल है लेकिन टू कंसीव आपका जो लेवल होना चाहिए इट शुड बी बिलो 2.5. एंड जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, एक बार प्रेग्नेंट हो जाए तो हमें और रिस्ट्रिक्शंस और हमें देखना पड़ता है, थायराइड को मैनेज करना पड़ता है कि आपके लेवल्स कितने हो. स्ट्रिक्टली प्रेगनेंसी के टाइम 2.5 के नीचे होने चाहिए, बट बाकी आगे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है इन द सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर, तब हम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि तब जो बेबी होता है वो खुद का हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है, तो कैन बी बिलो 3.5. तो इस हिसाब से हमें चेक करना होता है कि किस लाइफ के फेज पे क्या लेवल सही है थायराइड का. एंड ऑल्सो वी वुड लाइक टू चेक, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि अभी हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, थायराइड हार्मोन T3 and T4, ठीक है. जो T3 होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है, जो T4 होता है वो उतना एक्टिव नहीं होता है. तो सपोज आपका सब कुछ नॉर्मल है, आपका हार्मोन लेवल नॉर्मल है, ओके, बट हम चेक करेंगे फ्री T3 T4 आपका के. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दू तो अगर एक स्कूल है सपोज, ओके, और एक जैसे बोर्डिंग स्कूल, उसमें बच्चे वहां भी पढ़ रहे हैं और जो डे स्कॉलर्स होते हैं वो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ऑल आर गोइंग टू स्कूल. बट जो बोर्डिंग बोर्डर्स होते हैं वो लोग वहीं पर स्कूल में बंद रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, दे कैन नॉट गो आउट, ओके. बट जो डे स्कॉलर्स होते हैं आफ्टर स्कूल दे कैन गो आउट, रोम अराउंड एनीवेयर, ठीक है. तो एक हम फ्री T3 T4 का टेस्ट करते हैं, तो ये सब टेस्ट से हमें एक आइडिया आता है कि आपका क्या थायराइड स्टेटस है. जी, और अगर थायराइड के साथ कंसीव करने का प्लान किया जाता है तो उसकी बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब कोई न्यूट्रिएंट्स लेना आवश्यक है या कोई फूड सोर्सेस. ओके, अपने डोजेस चेंज करवा सकते हैं, अपने थायराइड को कंट्रोल में करके फिर प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं. ओके, सो बस, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो वैसे भी आप जब प्रेग्नेंट होके जाते हैं तो 4 to 6 weeks के अराउंड आपका पहला टेस्ट होता है थायराइड का. बट अगर आप सपोज द प्रिकॉशंस यू कैन टेक इज कि अगर आप कोई ऐसे कुछ फूड्स खाते हैं जैसे कि प्रोडक्ट्स हो, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड के क्या आप किस क्वांटिटी में आप ले रहे हैं, आपको सफिशिएंट मिल रहा है कि नहीं. अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको कितना लेना चाहिए, और अगर आप इफ नॉन प्रेग्नेंट आपको कितना लेना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर कंसीविंग, नॉट जस्ट फॉर प्रेगनेंसी, इवन टू हैव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल. अदर फूड्स विच आप कंज्यूम कर सकते हो लाइक से मशरूम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मशरूम्स हैव गुड कंटेंट ऑफ आयोडीन, एंड देन यू हैव प्रूनस. सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ. और किसी का सवाल है, सपना ने सवाल पूछा, मैम अगर TSH लो है फिर भी बहुत ड्राई होती. सी, एज आई सेड कि आपका जो थायराइड है इट अफेक्ट ऑल द सिस्टम्स, इट इवन आपके हेयर स्किन सब पे अफेक्ट करता है. बट कभी कभी क्या होता है कि आपका TSH लो हो सकता है बट आप ऑसिलेट करते होंगे बिटवीन हाइपरथायरॉयड एंड हाइपोथायरॉयड जब भी आप मेडिकेशन लेते होंगे, या फिर आपको ऑटो इम्यून इश्यू होता है.
अब जैसे ऑटो इम्यून थायराइड का प्रॉब्लम होता है जिसे हम कहते हैं हाशिमोटोज थायराइड, तो उसमें क्या होता है कि यू स्टार्ट एज हाइपर थायराइड. पहले क्या होता है कि आपका एक्सेसिव थायराइड प्रोडक्शन होता है, थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, फिर वो खत्म हो जाता है एंड देन यू स्विच टू हाइपोथायराइड. ओके, सो हाशिमोटो थायराइड आप फिर यूजुअली आपने सुना होगा कि हाइपो होता है, मतलब हार्मोन कम रिलीज होता है, बट स्टार्ट हमेशा हाइपर से होता है वो. सो यू माइट बी ऑसिलेटिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, जैसे आपका मेडिकेशन का डोज चेंज हो रहा है, तो वो कंबाइंड आपको सिम्टम्स हो सकते हैं. और अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या हाइपोथायरॉयडिज्म का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है या प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए? ओके, सो यस, हाइपोथायरॉयडिज्म इज मोर कॉमन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. तो क्या होता है उसमें, मैंने जैसे आपको बोला ओव्यूलेशन नहीं होता है, मतलब आप एग तो बना रहे हो, ठीक है, एग अच्छा क्वालिटी का क्वांटिटी का एग जो है साइज का हमें मिल गया एग, लेकिन वो अभी वो एग को रिलीज होना पड़ता है ताकि वो स्पर्म से मिले और एक बेबी बनाए, ठीक है. बट वेन यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म, तो वो एग रिलीज ही नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आपको प्रेगनेंसी कैसे रहेगा. तो दैट इज द रीजन व्हाई हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको प्रॉब्लम होता है कंसीव करने को. अगर आप, और ऐसा नहीं कि आप कंसीव नहीं कर पाते हो, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप कंसीव भी कर लेते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप आपके थायराइड लेवल्स को कंट्रोल में नहीं रखोगे और अगर उसको ट्रीट नहीं किया, तो प्रेगनेंसी में आगे जाके काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है. जैसे कि अगर आपको ऑटो इम्यून थायराइड है, ठीक है, तो वो जो एंटीबॉडीज है, वो जो प्लेजेंटा होता है, जो हम मैली कहते हैं बच्चे की, उसके थ्रू पास होके बच्चे को अफेक्ट कर सकती है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम कर सकती है, फिर उसका ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है. सो ओवरऑल थायराइड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन एवरी फॉर एवरी सिस्टम एंड मेनली प्रेगनेंसी. जी, और श्वेता ने सवाल पूछा है कि दिस अफेक्ट आईवी सी आईवीएफ साइकिल, नाउ आईवीएफ इज अ टोटल डिफरेंट थिंग. ओके, जैसे मैंने आपको कहा कि चलो आईवीएफ में हम क्या करते हैं कि हम आपका जो एग होता है वो रिट्रीव कर लेते हैं, आपको ओव्यूलेट करने की जरूरत नहीं है एग को, हम अच्छे आपको अच्छा एक क्वालिटी का एग बना के जो आपके जितने भी एग्स है वो रिट्रीव कर लेते हैं. बट अभी वो एग जो रिट्रीव कर लिया हमने, ठीक है, अभी एम्ब्रियो बना दिया, फिर हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर तो आपके में ही करना है ना. तो अगर आपका थायराइड में इश्यू है, थायराइड लेवल्स में, तो प्रेगनेंसी आप आगे कैसे कंटिन्यू करोगे? मिसकैरेजेस के, जैसे मैंने बोला, मिसकैरेजेस, स्टंटेड ग्रोथ, प्रीटर्म डिलीवरी, ये सब इश्यूज तो रहेगा ही ना. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे, इवन इफ यू आर प्लानिंग आईवीएफ फॉर नेचुरल कंसेप्शन, आपका थायराइड लेवल्स कंट्रोल में हो. और ऑटो इम्यून के अलावा क्या किसी डिफेक्ट कमी होती है? यस, आयोडीन, जैसा द वे आई सेड, आयोडीन डेफिशिएंसी जो होती है, जिसकी वजह से इट इज वेरी कॉमन टू हैव थायराइड प्रॉब्लम्स. सो जो द सॉल्ट, यू ऑलमोस्ट हैव हर्ड द गवर्नमेंट आयोडाइज सॉल्ट थ्रू विच हमारे डाइट में आता है. सो अगर जो लोग ऐसे बहुत होते हैं हु अवॉइड सॉल्ट, दे गो फॉर अ सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, उसमें जाते हैं, तो उनको ये जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि उनमें कितना क्या इश्यू है, क्योंकि वो लेवल्स तो चेक करा लेते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, आपको हाइपर हाइपो जो होता है वो सब क्लिनिकल स्टेज पे होता है. सब क्लिनिकल मतलब कि आपको पता नहीं होता है कि आपको है, क्योंकि जो लेवल्स होते हैं विद इन नॉर्मल रेंज है, लेकिन एकदम नॉर्मल नहीं है. जैसे कि या तो टीएसएच का जो लेवल है वो जगह हाइपो है तो वो आपको रहेगा बिटवीन, इट विल बी ऑलमोस्ट 3.5, वो एकदम टुवर्ड द हायर साइड. हाइपर है तो इट विल बी नियर ऑलमोस्ट 1 से कम होगा, एकदम 0 नहीं होगा लेकिन बिलो 1 होगा. तो उसे कहते हैं हम सब क्लिनिकल थायराइड, जो कहते हैं हम थायराइड इशू, तो वो हो सकता है. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो इनटेक है वो देखे क्या हो रहा है, अगर आप कोई ऐसे दूसरे प्रोडक्ट्स खा रहे हैं जिससे आपको डेफिशिएंसी हो सकती है, तो वो अवॉइड करें. और श्वेता का एक और सवाल है कि क्या योगा से थायराइड इशू को कम किया जा सकता है? सी बेसिकली योगा एंड ऑल इट इज हेलो या
सो ठीक है। योगा इज एनी हाउ मेडिटेशन एंड एवरीथिंग इज गुड टू हैव योर मूड मूड स्विंग्स एंड योर डिसऑर्डर्स लाइक योर एंजाइटी लेवल्स सब कुछ इन कंट्रोल. एज आई सेड दैट नॉट ओनली थायराइड अफेक्ट्स ऑल सिस्टम बट तुम्हारा जो मूड मूड होता है स्ट्रेस होता है योर बॉडी सिचुएशन ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो अफेक्ट योर थायराइड. कभी कभी क्या होता है कि आपको एक्चुअली थायराइड का इश्यू नहीं होता है लेकिन आपको शायद सर्दी खांसी हुई हो या कोई इन्फेक्शन हुआ हो तब आपका सडनली थायराइड रेज हो जाता है या फिर हाइपोथायराइड आपको कोई भी इश्यू हो सकता है थायराइड के लेवल्स में. बट जैसे ही आप ठीक हो गए इट विल कम बैक टू नॉर्मल. सो आपके जो डे टू डे लाइफस्टाइल है आपका वर्कआउट है एनी मोड ऑफ वर्कआउट योगा और एक्सरसाइजिंग रनिंग वेटलिफ्टिंग आप कुछ भी करो बट लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल सो दैट इट ऑल्सो हैज अ गुड इफेक्ट ऑन योर थायराइड ग्लैंड. सो येस टू सम एक्सटेंट इट विल बट इफ यू हैव सम प्रॉब्लम्स आपके लेवल्स में डेफिनेटली यू हैव टू टेक उसके लिए मेडिकेशन लेना पड़ेगा. और मानसी का सवाल है थायराइड में मेरा वेट गेन हो गया है क्या प्रेगनेंसी में मुझे कम हो गया प्रॉब्लम आ सकती है अचीव करने में वेट ज्यादा कम हो हो गया गया है ज्यादा हो गया है. ओके सो जैसे मैंने आपको कहा कि हाइपोथायराइड जब होता है तो जब आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है जो आप खाते हो सबको डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म वो स्लो हो जाता है जिसकी वजह से आप वेट गेन करते हो. एंड समटाइम्स इट इज आल्सो लिंक्ड टू मेनी अदर थिंग्स जैसे थायराइड इश्यूज आर रिलेटेड विद डायबिटीज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम प्रोलैक्टिनोमा ये सब चीजों से लिंक्ड है. ठीक है तो इस वजह से हो सकता है कि आपका वेट ज्यादा बढ़ जाए. तो नाउ अगेन मैंने पहले भी कहा था जैसे जो बी एम आई होता है बॉडी मास इंडेक्स इट हैज टू बी इन द नॉर्मल रेंज फॉर यू टू ओव्यूलेट. मतलब आपको ओव्यूलेशन अंडा रिलीज करने के लिए आपको जो बी एम आई होना चाहिए वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए 18.5 टू 25 के बीच में होना चाहिए. अगर उससे ज्यादा है या उससे कम है तो दोनों में आपका जो एग होगा उसमें प्रॉब्लम होगा क्योंकि अगर ज्यादा वेट है तो आपका जो फैट सेल्स है वो बहुत बढ़ जाएंगे एक्सेसिव ईस्ट्रोजन हो जाएगा और आपके ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होगा. अगर आप बहुत पतले हो जाओगे तो फैट सेल्स कम हो जाएंगे ईस्ट्रोजन एकदम खत्म हो जाएगा अगेन आप ओव्यूलेट नहीं कर पाओगे. तो दोनों में आपको प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम पड़ेगी डेफिनेटली. बट आई सजेस्ट कि आप नॉट ओनली जस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप अपना वेट कम करने का एक्सरसाइज करने का वर्कआउट करने का ट्राई करें गेट योर लेवल्स चेक उसको कंट्रोल में लाए. कुछ सप्लीमेंट्स है जो आप ले सकते हैं टू कंट्रोल योर एंटायर मेटाबॉलिज्म माइनोसिटोल ये सब है आप ले सकते हैं जिससे आपका जो लेवल्स है वो नॉर्मल रेंज में आए और आपका पूरा एंटायर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उस पर भी अच्छा इफेक्ट करे एंड दैट कैन हेल्प यू कंसीव इजिली. हाइपरथायरॉइडिज्म की बात कही कि उस पर उसके कारण ओव्यूलेशन पर इफेक्ट पड़ता है लेकिन पुअर क्वालिटी होते हैं बहुत ज्यादा. यस डेफिनेटली अगर आप बिकॉज जो जो थायराइड है वो आपके बॉडी टेम्परेचर से लेके आपके हार्ट से लेके आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अफेक्ट करता है. तो नॉट जस्ट प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम ओव्यूलेटिंग आपका जो एग होता है उसको सिर्फ प्रिवेंट ही नहीं करता खासकर उसका जो क्वालिटी है उस पर भी फर्क पड़ता है. तो अगर आपका आप एग रिलीज एग है उसका क्वालिटी शायद अच्छा ना हो सेम इट ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन द मेल पार्ट इसी तरीके से. तो यस डेफिनेटली दे अफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द गैमेट्स ऑल्सो. तो क्या पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो टीएसएच का लेवल मॉनिटर किया जाता है एज अ गायनोकोलॉजिस्ट आप मॉनिटर करती हैं? मॉनिटर हाँ जी टीएसएच का लेवल जो होता है दैट इज द बेसिक इन्वेस्टिगेशन. जो पेशेंट आता है इवन इफ दे आर प्रेगनेंट और नॉट प्रेग्नेंट सपोज कोई पेशेंट आता है वो कहता है कि नहीं मतलब मुझे तो सिम्टम्स अगर मैच होते हैं कि मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे हैं सडनली जो मुझे पहले नहीं थे कि मुझे बहुत एंजाइटी होने लगी है मुझे स्किन चेंजेस आने लगे हैं सडन थिनिंग ऑफ हेयर होने लग गया है सपोज के उनके पीरियड इरेग्युलरिटीज होने लगे जो सडनली हुए जो पहले नहीं थे. तो फर्स्ट थिंग विल गो लाइक पहले का टीएसएच चेक करवाओ विच एवर फेज ऑफ लाइफ यू आर इन. सो प्रेगनेंट हो कि नहीं हो सिस्टम इसलिए सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. इफ यू आर 30 एंड यू हैव नेवर गॉट योर थायराइड चेक तो प्लीज फर्स्ट आप अपना ये टेस्ट करवाएं सो दैट यू नो एवरीथिंग इज फंक्शनिंग फाइन बिकॉज सब क्लिनिकल थायराइड भी एक चीज है जो मैंने आपको कहा था जी. और क्या ये थायराइड की समस्या होती है जेनेटिक भी होती है? यस सी लाइक
यस, थायराइड की इशू यू फैमिली हिस्ट्री तो देखी जाती है, प्लस एज आई सेड ऑटो एंटीबॉडीज जो होती है उसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून इशू जो उसमें होता है कि जो आपके WBCs है, आपके जो बॉडी के है, सपोज दे आर द सोल्जर्स, ओके, और वो जो आपका दुश्मन है उस पर अटैक करने की जगह खुद के ही लोगों पे अटैक कर रहा है, खुद के ही बेस पे अटैक कर रहा है, ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस. तो वो एंटीबॉडीज खुद के ही तरफ प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है. तो उसकी वजह से भी आपको थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकती है. इन इन ये जो मैं बात करी थी, यही जेनेटिक, यही ट्रांसफर होता है थ्रू द प्लेसेंटा टू द बेबी. तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जो हो सकता है. इसके लिए हम जो टीपीओ एंटीबॉडीज है वो भी चेक करते हैं, क्योंकि आपका थायराइड नॉर्मल रेंज में हो सकता है, बट टीपीओ एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा हो सकती है. और क्या पूरी तरह से हम मॉनिटर कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, तो कि तब भी मिसटाइम होने की संभावना थ्रू आउट प्रेगनेंसी? मिसकैरेज होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, कैन जस्ट नॉट बी थायराइड. ओके, अगर हम जैसे कि अब पेशेंट आता है, हम थायराइड कब चेक करते हैं? एट 4 to 6 weeks जब पेशेंट प्रेग्नेंट होके आता है, फिर उसके बाद हम 13 weeks पे एक बार चेक करते हैं, फिर 26 to 28 weeks पे, और फिर डिलीवरी के टाइम पे चेक करते हैं, बिकॉज तब हमें मॉडिफाई करना होता है डोज. तो आप जो भी डोज ले रहे हो थायराइड का, वो बढ़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि तब जो बच्चा होता है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है खुद का हार्मोन. तो और जैसे ही आप आगे प्रेगनेंसी में आगे जाते हो तो बच्चा प्रोड्यूस करने लगता है, तो हम वो डोज को कम कर देते हैं. तो उस हिसाब से वो डोज चेंज होती रहती है. बट मिसकैरेज तब होने के चांसेस होते हैं कि अगर आपका जो आप उसको ट्रीट ही ना करो, आपका मॉनिटर ही ना करो, जो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है वो ना लो, या फिर अगर आप गलत तरीके से लो. फॉर एग्जाम्पल, जो थायराइड की दवाई दी जाती है वो सुबह के टाइम पे खाली पेट पे लेनी होती है, आप वैसा ना करो. उसके साथ आप कोई ऐसी चीजें, मैग्नीशियम या ऐसे कोई ऐसी और चीजें लो जिससे उसका एब्जॉर्प्शन कम होता हो, गलत टाइम पे खाने के साथ ले रहे हो जिससे उसका एब्जॉर्प्शन और कम होता है, तो फिर शायद आपको ये इफेक्ट, उसका असर नहीं आएगा और आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं रहेगा. बट देर आर अदर चांसेस ऑल्सो मिस कैरेज के, जिसे हम नहीं कह सकते, जैसे हाइपरटेंशन, बीपी होने का, डायबिटीज होने का, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस जिसे हम कहते हैं, कोई वायरसेस होते हैं, कोई एंटीबॉडीज होती है. जी. और राखी का सवाल है कि क्या अगर मुझे थायराइड है प्रेगनेंसी के दौरान तो क्या मेरे बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है? यस, अगर आपका थायराइड आप ट्रीट नहीं करते हैं तो इट कैन अफेक्ट द चाइल्ड ऑल्सो, होने के चांस होते हैं. प्लस बच्चे को और ब्रेन डेवलपमेंट में भी फर्क हो सकता है. तो ओवरऑल उसका जो न्यूरो डेवलपमेंट हो, जो आगे बड़ा हो बच्चा, उसका लर्निंग एबिलिटीज, IQ हो, वो सब पे भी अफेक्ट कर सकता है. सो दैट इज वाई अगर आप कंट्रोल में रखेंगे सब कुछ, अगर आपके मेडिकेशन सही से चलेगा थ्रू आउट प्रेगनेंसी, आपका थायराइड प्रॉपर किस फेज में कितना होना चाहिए उतना है, तो मोस्टली दे वोंट बी एनी इश्यू. और एक सवाल कि थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सो थायराइड हार्मोन, मैंने जैसे आपको पहले कहा, जो थायराइड हार्मोन होता है, अभी जैसे TSH जो हम है, बेसिक हम जो TSH चेक करते हैं, उसका जो लेवल होता है दैट इज बिटवीन 1 to 4.5 mL/L. ये नॉर्मल है फॉर अ पर्सन हु इज नॉट ट्राइंग टू कंसीव, प्रेगनेंट होने की कोशिश नहीं कर रहा है. और अगर आप प्रेगनेंट होने की कोशिश करो या प्रेगनेंट हो, तो इट शुड बी बिटवीन 2 to 2.5 के नीचे होना चाहिए. अब जो थायराइड हॉर्मोन्स है, जो थायरोक्सिन T3 T4 की बात करें, जो T3 होता है वो होना चाहिए ऑलमोस्ट 100 to 200 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, उसका जो रेंज होता है. और जो आपका T4 होता है वो होना चाहिए बिटवीन 5 to 12 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, एंड 100 to 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर. सो दीज आर द रेफरेंस रेंजेस जो होती है. बट कभी भी अपना ये जो थायराइड का टेस्ट करवाया, देखा कि इस लेवल के बीच में है मेरा के नहीं है, खुद से डोजेस ना चेंज करे, खुद से मेडिकेशन ना ले, ऑलवेज गो टू योर डॉक्टर, बिकॉज उनको पता होगा कि आप साथ में कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं और उसमें क्या इंटरेक्शन हो सकता है. आप कोई और सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप उससे क्या फर्क पड़ सकता है, तो उस हिसाब से आपका जो डोजेज है वो सेट करेंगे. और थायराइड को ये है कि अगर आप होती है तो बहुत ज्यादा
सेक्शन के चांसेस, सी सेक्शन राइट यू आर आस्किंग, या सो अगर आप थायराइड, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए, आपको थायराइड का इशू है, हाइपरथायरॉयडिज्म सपोज है, ठीक है, तो अगर आपका थायराइड कंट्रोल में है, नॉर्मल रेंज में है, तो मोस्टली कोई इशू नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हो, उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते हो और वो आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, तो देन देयर चांसेस ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी. प्रीटर्म मतलब प्रीटर्म जो बच्चे का ग्रोथ होता है वो होना बंद हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से जो डॉक्टर होते हैं उन्हें जल्दी बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है उसको बचाने के लिए. सो प्रीटर्म लाइक सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है, तो इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं. वेयर इज अगर सपोज आपको थायराइड स्टॉर्म करके एक इमरजेंसी होती है, जो होती है लाइक प्रेगनेंसी के टाइम पे, कि बहुत ज्यादा जो हार्मोन अगर बढ़ जाता है, थायराइड स्टॉर्म हम जैसे कहते हैं, तो उसमें मदर और चाइल्ड दोनों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और प्रीटर्म डिलीवरी भी हमें करवानी पड़ती है टू सेव द मदर एंड चाइल्ड बोथ. इसलिए वो सब ये सब पहले से ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिटेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए. ये एक मिथ है कि अगर आपको थायराइड है तो गॉयल संभावना ज्यादा होती है. See, that is of increasing because pregnancy में भी जो आपका thyroid gland है वो उसका size बढ़ता है, ठीक है, तो अगर आपका जो size बढ़ता है तो आपको thyroid issues होते हैं. So it is all linked. How I said कि it is linked to other problems also like diabetes, PCOS, कोई prolactinoma हो कि या फिर आपका increasing size of the thyroid gland. So ये सब चीजें आती है. And मैंने आपको जैसे बोला कि मिथ की बात तो छोड़ो, अगर आपको कभी कभी होता है कि आपको थायराइड ना हो, बट कोई और सिचुएशन से भी, कोई और प्रॉब्लम से भी आपको थायराइड हो सकता है, जैसे फ्लू हो, इन्फेक्शन हो, कुछ अदर प्रॉब्लम हो, तो उस समय आपका शायद थायराइड बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, बट फिर उसके बाद जैसे आप ठीक होते हो वो नॉर्मल हो जाता है. तो इट्स ऑल रिलेटेड. जी, और सुमन ने सवाल पूछा है कि क्या मैम थायराइड अगर है प्रेगनेंसी के दौरान मुझे सेवन से बचना चाहिए, क्या नहीं खाना? अगर सी थायराइड अगर आपको है तो आई सेड सॉय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आप कम करें. एकदम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो एकदम एकदम जो जस्ट वीगन लोग होते हैं, जो पीपल हु प्रेफर हैविंग वीगन फूड, तो एकदम वो जो सारे होते हैं दैट कैन कॉज सम डेफिशिएंसी, इसलिए वो सब अवॉइड करना चाहिए. एंड टू हैव सप्लीमेंट्स विच कैन इंक्रीज हेल्प यू आपका जो थायराइड हॉर्मोन्स है उसको प्रॉपर करने का हेल्प करें, वैसे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जैसे कि विटामिंस मिनरल्स जो है, विटामिन डी है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, ये सब चीजें जो है वो आप अपने सप्लीमेंट्स में लें. जी, और अगर मैं अंत में पूछना चाहूँ कि लास्ट आप क्या बताना चाहेंगे उसको जोड़ के, तो आप क्या कहना? सो बस यही है कि गेट योर लेवल्स चेक्ड बिफोर प्रेगनेंसी अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं. नॉट जस्ट दैट, जैसे मैंने लास्ट लाइव में बोला था कि गेट योर फर्टिलिटी स्टेटस चेक, तो साथ में अपने हार्मोनल लेवल्स भी चेक कराए, क्योंकि अगर आप कंसीव होने का ट्राई कर रहे हैं तो आप पहले से अपने थायराइड लेवल्स को अपने नॉर्मल रेंज में रखें, तो आप इजीली प्रेग्नेंट हो पाएंगे और आगे भी जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. और अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर को जाके बताएं कि आपको ये थायराइड का इशू है, आप ये दवाई ले रहे हैं, क्योंकि ऐसी बहुत दवाइयां होती है जो आप प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं ले सकते हो थायराइड की. हमें एक फॉर्म जो होती है मेडिकेशन चेंज करनी पड़ती है थायराइड की, क्योंकि वो बच्चे को हार्म कर सकती है, तो वो भी बताएं आप कौन सी दवाई ले रहे हैं. डोजेज जो होते हैं खुद से चेंज ना करें, उसके लिए भी बताएं. आप जब अगर कोई प्रोसीजर के अंडरगो कर रहे हैं कि आपका जब होगा, तो आपके एनेस्थेटिस्ट होते हैं उनको बताएं, क्योंकि ही इज द वन हु इज गोइंग टू पुट यू टू स्लीप, तो उन्हें पता होना चाहिए कि आपका थायराइड किस हिसाब से फंक्शन आपका क्या है, डोजेज और वो सब वो आपको बताएंगे कितने बजे आपको लेना है दवाई नहीं. सो कीप योर डॉक्टर इन द लूप, उन्हें सब बताएं एंड टेक द एडवाइस, और उस हिसाब से आप अपना डोज मॉडिफाई कीजिए, तो एवरीथिंग विल गो स्मूथ. और ये भी है कि बहुत फीमेल्स को ऐसा लगता है कि अभी थायराइड की दवाई शुरू हो गई तो मुझे तो लाइफ लॉन्ग लेना ही पड़ेगा, अभी तो थायराइड शुरू हो गया है. तो ऐसा नहीं है, जब भी अगर आपका आपको जो
दवाई चालू करते हैं प्रेगनेंसी या कंसीव करने के टाइम पे भी आपके डॉक्टर, तो अगर आफ्टर 6 मंथ तक उन्हें ऐसा लगता है आफ्टर यू डिलीवर्ड एंड एवरीथिंग कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपका जो है वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है, देन दे में टेपर इट, मतलब वो धीरे धीरे कम कर सकते हैं, इवेंचुअली आप बंद भी करवा देते हैं वो. सो इट इज नॉट लाइक कि आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है थायराइड की मेडिसिन. सो इट इज जस्ट दैट कि शायद जो नॉर्मल रेंज होती है नॉर्मल लोगों के लिए अलग हो, मतलब जो प्रेग्नेंट होने की कोशिश ना करे बट जो प्रेग्नेंट होने का चाहते हैं उनका जो रेंज हो वो अलग होता है. सो वो आपको दिमाग में रख के कि आपको ब्लड रिपोर्ट आया नहीं नॉर्मल रेंज तो ये है, मेरा तो नॉर्मल है तो डॉक्टर ने क्यों दवाई चालू की. बट रिमेम्बर कि जो नॉर्मल रेंज है 2.5 के नीचे हम जो होना चाहते हैं अगर प्रेगनेंसी अच्छी रखनी है तो वो होनी चाहिए. और ज्योति का सवाल है कि क्या मैम प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद बच्चे की जो TSH का लेवल है वो चेक किया जाता है, और क्या अगर हाँ ऐसा वो चाहिए. अगर उसका लेवल हाई है तो उसके लिए बच्चे क्या मेडिकेशन है? यूजुअली ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिसमें कि बच्चे को भी आए, दैट इज एज आई सेड कि वो लेवल तब चेक है कि अगर ऐसा कोई सिम्टम्स, बच्चा भी ऐसे सिम्टम्स दिखाने लगता है व्हाट इज हैपनिंग. ओके कि अगर जो आपको मैंने यही जो सिम्टम्स बोली वो बच्चे में भी होने चाहिए, बट इट इज नॉट यूजुअली नेसेसरी कि ऐसे ट्रांसफर हो. अगर आप नॉर्मल आपका है आपका कंट्रोल में है देन देर शुड नॉट बी एनी इश्यू, बट वो जो पीडियाट्रिशियन है दे टेक द मेजर्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए. और प्रियंका ने सवाल, अगर हम थायराइड की समस्या को ठीक करने के लिए होम रेमेडीज तो रुक करते हैं, होम रेमेडीज में आप क्या करोगे? होम रेमेडीज में आप कुछ प्रोडक्ट्स अवॉइड कर सकते हो या कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हो, जैसे अगर आपको PCOS वो सब है हार्मोनल प्रॉब्लम्स तो आप मायोनोसिटोल ले सकते हो, आप विटामिन डी ले सकते हो, आप आयरन ले सकते हो, फॉलिक एसिड ले सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है सप्लीमेंट्स ऐसे आते हैं जो आप ले सकते हो. टू एंटी ऑक्सीडेंट्स द मेन थिंग विच आई सजेस्ट इज एंटी ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो आप ले सकते हो. ये सब चीजें आती है मतलब जो आप सप्लीमेंट्स विच यू कैन आस्क योर डॉक्टर एंड टेक इट. बाकी होम रेमेडीज में या तो यू कैन अवॉइड सम फूड्स या यू कैन ऐड सम फूड. आप अपना आयोडीन इनटेक ले सकते हो. बाकी होम रेमेडीज आई रियली डोंट नो व्हाट, इफ यू कैन स्पेसिफाई सम होम रेमेडी देन आई कैन टेल यू कि किस बारे में बात कर रहे हो. बाकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्कआउट, हैव अ गुड डाइट, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर डे टू डे लाइफ. और सुमन ने सवाल किया, थायराइड के साथ प्रेगनेंसी अचीव करना पॉसिबल है या इसमें बहुत सारी मुझे समस्या? थायराइड के साथ प्रेगनेंसी करना मुश्किल बात नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गेट प्रेग्नेंट. मतलब 60 to 70% लोग आराम से प्रेग्नेंट हो जाते हैं थायराइड होने के बाद भी. बट द थिंग इज कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या, अगर आप थायराइड को ट्रीट नहीं करते हो या उसको कंट्रोल में नहीं रखते हो तो आगे जाके क्या होता है उससे, मिस कैरेज हो. आप प्रेग्नेंट तो हो जाओ आसानी से लेकिन फिर मिस कैरेज हो उसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ अच्छा नहीं हो, आपको प्रॉब्लम्स हो, वो नहीं चाहिए. सो इसीलिए हम कहते हैं कि पहले से उसका नॉर्मल रेंज में करो. यस कुछ लोगों को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है एज से इट माइट इवन, अगर सपोज आपको हो या फिर आपके पार्टनर को अगर हो तो इट अफेक्ट्स द स्पर्म क्वालिटी, जो डेंसिटी होती है उसको कम करती है, उसके मॉर्फोलॉजी मतलब उसका शेप साइज कैसा होता है, मोटिलिटी वो जिस हिसाब से आगे बढ़ते हैं स्पर्म्स, ये सब चीजों को भी, लिबिडो, ये सब चीजों को भी अफेक्ट करता है थायराइड इन मेल्स एंड इन फीमेल्स ऑल्सो, ओव्यूलेशन एंड एवरीथिंग. सो कंबाइंड इट माइट मेक इट डिफिकल्ट आपको प्रेगनेंसी अचीव करने में, लेकिन आप 60 to 70% लोग अचीव कर लेते हैं बट उसके बाद क्या, उसका क्वेश्चन है. और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिका जुड़ने और तमाम बहुत अच्छे. थैंक यू सो मच. ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग. थैंक यू. तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर मलिका सोलंकी ने बताया कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आपको थायराइड के बावजूद नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव करनी है, और क्या कुछ आपको अवॉइड करना चाहिए, और क्यों आवश्यक है कि अगर प्रेग्नेंट आप हो जाती हैं तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट के अलावा थायराइड एक्सपर्ट से भी मिलना चाहिए ताकि आपका जो TSH का लेवल है उसकी मॉनिटरिंग थ्रू आउट होते रहे और किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस
प्रेगनेंसी के दौरान आपको ना आए। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही, और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने नेटवर्क प्रॉब्लम्स के बावजूद आप हमारे साथ बने रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे से ये समस्या नहीं होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज स्टे विद सेल्दी। थैंक यू।